तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे निकी ने बोला था कि राज को कंपनी देने यहाँ आ जाओ, और कहा था कि यहाँ कोई निकी ने तुमसे ये कहा कि यहाँ कोई चैरिटी फंक्शन है और वो बहुत बिजी है, तो तुम राज को आकर कंपनी दो। हाँ, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि राज ने भी मुझे यही कहा था कि मैं जाकर निकी को कंपनी दूँ। मतलब उन दोनों ने मिलकर हमें उल्लू बनाया? मुझे तो पहले ही शक हो गया था। मतलब अभी तुमने बाहर से आते वक्त बड़ा सा बोर्ड नहीं देखा? कैसा बोर्ड? ओनली फॉर कपल्स, हाँ, एंट्री फॉर कपल्स ओनली। हाँ, मेरा ध्यान नहीं गया उसमें। ऑब्वियसली तुम्हें अपने आसपास कुछ दिखाई कहाँ देता है? देखो, तुम फिर से मत शुरू करो, ओके? और मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ये पार्टी अटेंड करने का कोई शौक नहीं है, तो मैं जा रही हूँ। न्यूज़ फ्लैश, मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, प्लीज लीव। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार, द ब्यूटीफुल, द टैलेंटेड वन एंड ओनली मिस परी राय चौधरी। मुझे चमचा बनने का कोई शौक नहीं है, सो एक्सक्यूज मी। देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। Ooh, I'm so scared. Watch me leave. Ladies and gentlemen, the beautiful, talented Pari Rai Chaudhary. एक मिनट, आज मैं आप सबको मेरे खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, बॉलीवुड के अपकमिंग डायरेक्टर मिस्टर करण। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। और फिर रास्ते ही नहीं छोड़ा तुमने, और वैसे भी कैसे लड़के हो तुम, इतनी बड़ी पार्टी में एक अकेली लड़की को छोड़ के जा रहे हो। देखो, चुप। मैं जानती हूँ तो मुझे सॉरी कहना चाहते हो, है ना? लेकिन इट्स ओके, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इससे ज्यादा ओरिजिनल लाइन नहीं मिली तुम्हें? नहीं। एक्सक्यूज मी एवरीबॉडी, आज यहाँ मौजूद सभी कपल्स के लिए हमने एक गेम ऑर्गेनाइज किया है। मुझे उम्मीद है कि मिस परी और मिस्टर करण भी हमारा इस गेम में साथ देंगे। ओके, सो आई विल डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ द गेम। म्यूजिक ऑन होते ही हर कपल को एक पेपर पर डांस करना होगा, म्यूजिक बंद होगा, पेपर फोल्ड करना होगा और उस पेपर पर फिर से डांस करना होगा। पेपर छोटा होता जाएगा और वो कपल जो सबसे आखिरी तक डांस करेगा वो हमारे इस गेम का विनर होगा। सो ऑल रेडी? कूल, म्यूजिक प्लीज।
आई एम सॉरी, आप लोग ये गेम हार चुके हैं और आज के हमारे इस गेम के विनर हैं मिस्टर एंड मिसेस ब्रिगेंजा। इडियट, हरा दिया ना मुझे। हरा दिया? एक तो इतने से पेपर पे खड़ा होकर तुम्हें उठा के डांस कर रहा हूँ, तुम कह रही हो हरा दिया। तुम्हें डांस करना आता ही नहीं ना। तो मैंने कहा कब था कि मुझे डांस आता है? तुमने मुझे यहाँ रोका था ना? जी शट अप, ओके? तुम ज्यादा बोल रहे हो। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ कि तुम ज्यादा बोल रही हो? थैंक यू कहने के बजाय मुझ पे ही डांट रही हो। शट अप, तुम्हारी वजह से मैं हारी हूँ। मैं परी राय चौधरी ये गेम हार गई है। मेरे लिए ये कितनी बड़ी इंसल्ट है कि मैं ये गेम। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं परी राय चौधरी, मेरी तुम्हें अपने अलावा कोई और तो दिखता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी सेल्फिश इंसान हो तुम। नहीं, I don't have any problem, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है अपने मुंह से तुम अपनी तारीफ कर रही हो ना, चिल्ला के सबको बताओ परी राय चौधरी सेल्फिश, बोलो चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो। Excuse me, परी जी, can I have one more game please? No, thank you very much. मुझे और एक पार्टी में जाना है। वाकई राज, आपका प्लान बहुत ही अच्छा था। ऑब्वियसली मेरा प्लान था, फुल प्रूफ तो हो गए। And I'm sure कि इस वक्त दोनों रोमांटिक म्यूजिक पर रोमांटिक डांस कर रहे होंगे। अब हमसे और नहीं रहा जा रहा, हम करण को फोन कर ले। Not a bad idea, तुम करण को फोन करो, मैं परी को फोन करता हूँ। हेलो। तो करण, कैसी रही आपकी डेट? डेट? व्हाट? ये सब तुम्हारा प्लान था? ये तुमने अच्छा नहीं किया निकी। I will kill you, Raj. क्यों परी? क्या हुआ? तुमने मुझे उस जॉब के साथ क्यों भेजा? एक नंबर का गधा है वो, गधा। उस लड़की में जरा सी भी तमीज नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। एक छोटा सा काम तो होता नहीं है उससे, और चला है डायरेक्टर बनने के लिए। पागल है, पागल पागल होता है ना वो, है वो। Idiot, stupid, stupid, selfish, बददिमाग, बदतमीज लड़की है वो। I hate him. I just hate her. करण परी से नफरत करते हैं और परी करण की शक्ल भी नहीं देखना चाहती है। फेल। अब क्या करेंगे? हमें नहीं लगता ये दोनों कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे। क्या करें निकी? बी पॉजिटिव ओके? कुछ ना कुछ जरूर करेंगे हम, वो जरूर मिलेंगे, ट्रस्ट मी। मिलेंगे? लेकिन कैसे? वो दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, देखा ना आपने। निकी देखो, हम उसी से सबसे ज्यादा झगड़ते हैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इन दोनों की नफरत में इन दोनों का प्यार छिपा है। और देखना, ये दोनों भी लड़े हैं ना, लेकिन अकेले में ये दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करेंगे और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। मतलब कैसा लगा प्लान? प्लान तो बहुत अच्छा है। चलो जाओ, क्विकली गो गो कमांडर। परी। हाय परी। परी सुनो मेरी बात, फोन मत रखना। देखो परी, मेरी बात तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है प्लीज। हाँ, मैं वहीं चलाता हूँ, गाड़ी में बैठ के बात कर लेंगे ओके? एज यू से। प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते ये करो, कभी कहती ऐसे खड़े रहो, ऐसे डांस करो। ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे फिल्म एक्ट्रेस नहीं, कोई वो स्कूल की टीचर। उसको उठा के, हाँ हाँ, परी राय चौधरी, I hate you, कितनी बार बोलूं, कम। अब क्या हुआ? सॉरी बोलना है, अंदर नहीं बुलाएंगे। हमें माफ कर दीजिए करण, हमसे गलती हो गई, हमें आपको वहां उस पार्टी में भेजना ही नहीं चाहिए था। आखिर परी हुआ क्या है? टेल मी। क्या क्या बताऊं तुम्हें राज, वो करण है ना, हा? सबसे बड़ा जो जंगली है, एक नंबर का जंगली, मुझसे बहस कर रहा था, मुझसे, परी राय चौधरी से। ओए ही इडियट, खुद स्टार है तो उसे लगता है बाकी सब लोग उसके गुलाम है।
किसी की इज्जत करना नहीं आता उसे, पागल समझती है सब लोगों को तो वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप करण, हमें भी यही लगता है, पर हम उन्हें कुछ कहते नहीं है। वो क्या है ना, वो राज की बहुत अच्छी दोस्त है ना। आप सुनो, मैं ही पागल थी जो मैंने उससे दोस्ती की, तुम्हें देखना चाहिए था वो डांस कैसे कर रहा था पार्टी में। पता नहीं तुम कैसे झेलते हो। झेलना पड़ता है परी, झेलना पड़ता है आसमी, वो निक्की का दोस्त है, वरना इज्जत से दोस्ती कौन करेगा। तो आपने तो देखा ना, उन्होंने हमारे साथ प्रीमियर पर क्या किया, पर ये सब हम राज की वजह से बर्दाश्त कर लेते हैं, वरना सही कहता है सब, एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई बेटी है वो, है ना करण। अपने आप को चीफ एडी कहता है, जरा सा भी काम नहीं आता है उसे। फिल्म डायरेक्ट करेगा ना, देखना एक बंदा भी देखने नहीं आएगा, अकेला बैठ के देख रहा होगा। राइट, तुमने बिल्कुल ठीक किया परी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ही इज अ जर्क, ही इज अ कंप्लीट जर्क। अच्छा किया आपने, वैसे भी वो आपकी दोस्ती के लायक है ही नहीं। गलती हमारी ही थी जो हमने आपको उस पार्टी में उनके साथ भेज दिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और परी इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं नहीं करण, आप बहुत भोले हैं, आप हमारी बात मानिए, परी बहुत बुरी है। आई थिंक मैं इस बात को लेकर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है परी, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राज, करण इतना बुरा भी नहीं है, वो हमेशा पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है, अपनी नहीं। वो बाहर से ऐसी दिखती है, दिल की बहुत साफ है, प्यारी है, मासूम है। आई एम श्योर कि जान पूछ के वो लोगों को हर्ट नहीं करती। तुम्हें भी तो कितनी जल्दी माफ कर दिया था, है ना निकी? पता नहीं, हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, जब देखो तब आपसे लड़ती रहती है। आखिर वो होती कौन है आपसे इस तरह से बात करने वाली? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं ही, मेरा मतलब वो तो इतने प्यार से मुझे डांस सिखा रही थी, मैं ही बार बार उसके पैर पे पैर मारे जा रहा था, गलती तो मेरी थी। अब वो कोशिश तो कर ही रहा था ना, मैं ही बेकार में उस पर चिल्लाए जा रही थी। भला एक दिन में कोई डांस सीखता है क्या? राइट रॉन्ग, तुम जिंदगी भर उसे डांस सिखाओगी ना, वो कभी नहीं सीख पाएगा। He's a dumb guy. ऐसा क्यों कह रहे हो राज? उसने तुम्हारी और तुम्हारे डैड की कितनी मदद की है। अगर वो निकी को टाइम पर नहीं ले आता तो तुम्हारी फिल्म और तुम्हारे करियर का क्या होता? Whatever यार, इसका जो भी क्या ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है मैं उसे जिंदगी भर बर्दाश्त करूंगा। राज, वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है, ओके? और मुझे लगता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओके। खैर, अब तो मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज? ऑलराइट। निकी निकी, एक मिनट, देखो तुम खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो, मैंने कहा ना गलती मेरी है, माफी मुझे मांगनी चाहिए, उसे नहीं। ठीक है करण, लेकिन हमारी बात मानिए तो आप परी से दूर ही रहा करिए, बहुत बुरी है वो। अच्छा अब हम चलते हैं, राज हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओके बाय। सामने परी की बुराइयां कर रहे थे तब उनकी शक्ल देखने वाली थी, और परी वो तो पता नहीं किस पे गुस्सा हो रही थी, मुझ पे या खुद पे। अच्छा यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलेंगे कैसे? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आज शाम को मिलेंगे। अच्छा अब दोनों की दोस्ती करवा दीजिए। एक मिनट।
ओके, आप ये बताओ कि परी और करण की कहानी तो सेट हो गई, हमारी लाइफ का क्या होगा? हमारी मतलब? माय डियरेस्ट स्वीट हार्ट निकी, क्या पूरी जिंदगी इसी तरह रेस्टोरेंट्स में, कैफे में, गाड़ी में बितानी है? शादी वादी करने का कोई इरादा नहीं है क्या? कब करनी है शादी? हम क्या जाने, आप ही मामी जी से बात कर लीजिए। मामी जी से? ठीक है, अगर तुम कहो तो। मगर तुम्हें लगता नहीं मामी थोड़ी बड़ी है? मुझे लगता है वो 8-10 साल तो बड़ी। राज, हमारा मतलब है कि हमारे बारे में बात कर लीजिए। उनसे क्या बात करनी है शादी के बारे में? शादी तो तुमसे करनी है, उनसे थोड़ी ना करनी है। बात तो आपको उनसे करनी ही होगी, क्योंकि जब तक हम 21 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी जिंदगी के सारे फैसले वही करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम्स, कर लेंगे मामी से बात। और कोई है तो उससे भी बात कर लेते हैं, मामा चाचा भतीजा कोई है? अब चलें, हमें देर हो रही है। अरे राजी, आप? हाय। माय सेल्फ बलमा, पहचाना? हाँ, हम मिल चुके हैं। अरे बेड़ा, देख तो सही कौन है। अरे इस बखत कौन आ गया मरे? अरे बेड़ा, राज्य है थारी निक्की को लेके। राजबीर कपूर, थारी वैस की पूछ, हाउ डू यू डू? सॉरी सॉरी, वो हमारे घर में कोई नाक करनी है ना, इसलिए सारे का सारा काम मुझे बेचारी अकेले को करना पड़ता है। पहले तो बहुत बिजी हो गई है, नहीं तो सारा काम निक्की जी अकेले करती थी। हमारी निक्की जी बहुत टैलेंटेड है। अरे पावड़ी बूझ, आप इसकी बात पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा, ये तो बेवकूफ है बुआ। आप बैठो, 5 मिनट आई काम है, अंदर लेकर जाओ इनको। अरे चल बुए लेके जा। मारी बहना अंग्रेजी भी बोले है। चलिए जी, कम इन। वेरी गुड। बैठिए राजी, आप भी बैठ जाओ निक्की जी। जी जी, हम अभी आते हैं। या तो क्या हो रहा है राजी, कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? कोई फिल्म विलम मिली कि नहीं? मारी निक्की जी ने तो फिल्म भी साइन कर ली है। अरे मुए मामला हो गया क्या? कुछ भी बक बक करे है, माफ करना। ये राजबीर कपूर है, राजबीर कपूर है। अच्छा हुआ बहना। हाँ मालूम है मारे को, पर इनको फिल्मों की कोई कमी है के? ये चाहे तो रोज की एक फिल्म सहन कर सकते हैं ना। अरे मुए तो इधर क्यों खड़ा है, जाने के लिए कोई अच्छा सा जल पान लेकर आ। नहीं बलमा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत कैसे नहीं है, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा ना। अरे जा ना। बहना क्रीम वाले बिस्किट लाऊं? चाट के मत लाइयो। फिकर मत कर। जा जल्दी। आप प्लीज तकलीफ मत उठाइए, मैं दरअसल आपसे कुछ बात करना है। हाय, बोलो बोलो बोलो। वो जैसा कि आप जानती हैं, आजकल लोगों को मेरी और निकी की जोड़ी बहुत पसंद आ रही है, तो मैं। अरे क्यों नहीं आवेगी, क्यों नहीं आवेगी? तो जब तुम दोनों को देखती हूँ ना, तुम्हारे को राम सीता की याद आ जावे है। वो एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता था कि। हाँ, अरे बोलो बोलो, शर्माओ मत। आप तो ना मुझे बिल्कुल अपनी जैसे लगते हो। बताओ बताओ, देखो भी मुझसे मत शर्माओ। हाँ वो देखिए, बात ये है कि हाँ, मैं और निकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आपकी इजाजत हो तो शादी करना चाहते हैं।